पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही हमारा निर्वाह हो सकता है। परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं और हमारे जीवन गुजर होता है। इसलिए जिन लोगों के साथ रहें उनके साथ संबंध मधुर होना चाहिए। रिश्तों में जब मधुरता होती है, आपस के रिश्ते जब प्रेमपूर्ण होते हैं तो हमें आनंद का एहसास होता है। यदि रिश्तों में कोई खटपट हो, तनावपूर्ण हो तो बार बार वो याद आती रहती है मन में। आप कल्पना कर लीजिए, सुबह उठे और पति और पत्नी में किसी बात को लेकर के थोड़ा सा बस तनावपूर्ण हो गए, कुछ बातें ऐसी हो गई जिसे कहते हैं ना दो चार बातें, दो दो बातें हो गई। अब कोई जाकर के अकेले में बैठे ध्यान भी करे तो ध्यान में मन नहीं लगेगा, क्योंकि जो विवाद हुआ है ना एक घंटे पहले, वो विवाद मन पे चढ़ा रहेगा। कोई जंगल भी चला जाए लेकिन जो हम पहले कुछ देर पहले करके आ गए हैं वो हमें पीछे नहीं छोड़ता है। कहते हैं हमारी याद हमारे लिए सबसे अच्छा है और सबसे अच्छी है और सबसे बुरी है। अच्छी यादें आती हैं हमें अच्छा महसूस होता है, गलत यादें आती हैं हमें अच्छा महसूस नहीं होता। इसलिए हम अपने जीवन के अकाउंट में, कहना चाहिए अपने अंतस में, अच्छे संस्कारों का संग्रह करें और अच्छे संस्कार हमारे अच्छे कर्मों के ही परिणाम हैं। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो वो भीतर इकट्ठा होता चला जाता है, अच्छे का भी इकट्ठा होता है और वो फिर प्रकट होता है। इसलिए ये ध्यान रखना है। और खास करके मैंने कहा ना, रिश्तों में आपस में यदि किसी बात को लेकर के नहीं बन पाया, कोई बात हो गई, हो सकता है किसी के मन में कोई उद्वेग आ गया, जोर से बोले, चिल्लाने लग गया, तो फिर क्या करना है? सामने वाले थोड़ा सहनशील हो जाए, थोड़ा धैर्यवान हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो चिल्ला रहा हो तो आप भी चिल्लाने लगे। आप लोग भी जानते होंगे, जब पहले फूल के बर्तन होते थे, पीतल के बर्तन होते थे, तो जब आपस में टकरा जाते थे ना तो आवाज़ देर तक होती थी झन की ऐसे। तो मैं तो देखा हूँ और जाना कि जब कोई आवाज़ होती थी बर्तन में तो उसको छू देते थे, सही है ना, तो उसकी आवाज़ बंद हो जाती थी। ऐसे ही हम सब बर्तन के ही तरह तो हैं। ये भी कहावत सुने होंगे, भैया जहाँ चार बर्तन होंगे ना वहाँ तो आवाज़ होगी ही। मनुष्य जहाँ होंगे वहाँ कुछ ऊंच नीच की बातें आ सकती हैं। ये आश्चर्य का विषय नहीं है, लेकिन करना क्या है इसी बीच में, ये ध्यान रखना है। यदि हम लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करना सीख गए, बहुत बड़ी सफलता मिली। बाहर से लोग सफल हो जाते हैं, कई बार देखो तो बाहर में उनकी प्रतिष्ठा भी रहती है, या तो व्यावसायिक दृष्टि से देखो तो बहुत धन कमा लिए,
समाज में देखो तो बहुत प्रतिष्ठा है, लेकिन घर में देखो तो घर में प्रतिष्ठा नहीं है, घर में विवाद है, वो सफलता नहीं है। किसी ने कहा है, घर में मिली असफलता बाहर किसी भी सफलता से पूरी नहीं हो सकती है। मैं जो कह रहा हूं इसको फिर से दोहरा रहा हूं, फिर से कहता हूं, ध्यान दीजिए। घर में मिली असफलता बाहर किसी भी सफलता से पूरी नहीं होती है। आप बाहर सफल हों और घर में असफल हों, तो बाहर की सफलता से घर की असफलता मिटाई नहीं जा सकती है। मतलब यह है कि आप हो सकता है बहुत सारा धन कमा के लाते हो, लेकिन आपको पता है घर जाऊंगा तो पत्नी लड़ने वाली है, आपको कैसा लगेगा? बड़ा कठिन है, फिर बहुत कठिन है। इसलिए ध्यान दो, परिवार के साथ रहते हैं तो। मैं गुरुदेव जी से सुना, विवाह से गृहस्थी की शुरुआत होती है, जब शादी होती है और वहीं से गृहस्थी प्रारंभ हो जाती है। और गुरुदेव जी ये भी कहते थे, ये तो मुझे पता नहीं है वो कहाँ कहते थे, लेकिन मैं उनसे केवल सुना और वो मुझे याद है, वो आप लोगों के बीच बता रहा हूं। विवाह क्या है? विवाह विशिष्टम वहनम। विवाह विशिष्टम वहनम, विशिष्ट ढंग से वहन करना, विशेष ढंग से। अर्थात पति पत्नी को वहन करने का मतलब होता है ढोना, वहन करना ढोना, लेकिन यहाँ का अर्थ है निभाना। पति पत्नी को निभाए और पत्नी पति को निभाए, एक दूसरे को निभाएं, और रिश्तों को निभाने में बहुत धैर्य की जरूरत होती है, सहनशीलता की जरूरत होती है, विनम्रता की जरूरत होती है, बहुत साधना, एक प्रकार से साधना की जरूरत होती है। वो साधना ही है, एक प्रकार से नहीं कहना चाहिए, सचमुच साधना है वो। और दुर्भाग्य है, क्या दुर्भाग्य है? इस विषय की पढ़ाई हमारे विद्यालय में नहीं की जाती है। पूछो बच्चों से, आजकल तो हमारे बच्चे यह भी नहीं जानते कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, शिक्षा क्यों। आप पूछ लेना अपने बच्चों से, मैं तो कितने बच्चों से पूछा, अभी जहां से आया धमतरी के आगे एक आश्रम, 5 दिनों का ध्यान शिविर था, और वहां दोपहर के सत्र में विद्यालय से बच्चे भी आते थे हाई स्कूल के, उनके बीच बोलना होता था, तो मैं बच्चों से पूछा, वैसे भी आते हैं पूछता हूँ, तो क्यों पढ़ते हो? पता नहीं क्यों पढ़ते हैं। कभी कभी कुछ लोग क्या कहते हैं, आगे बढ़ने के लिए। मैं कहता हूँ किधर आगे बढ़ रहे हैं, किधर आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ पता है? दिशा का ज्ञान है? दिशा का ज्ञान नहीं है। मैं दिशा का ज्ञान का मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं कह रहा हूं, आगे बढ़ने का। यदि आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे तो अपने आप को बर्बाद कर डालेंगे। मैं एक प्रश्न पूछा करता हूं, आप सही दिशा में जा रहे हैं या सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं? नहीं जानते, मैं सही बता रहा हूं। इसका मतलब नहीं कि परीक्षा लेने बैठा हूं यहां पर, मैं इसलिए कह रहा हूं इस विषय पर हम चिंतन करते ही नहीं है। कथाएं सुनते हैं जाकर के, कथा सुन लेते हैं और कथा सुन करके आ गए, और पता है कल कौन सी कथा होने वाली है, चाहे आप राम कथा सुनते हो या कृष्ण कथा सुनते हो, पता है ना। मान लो विवाह, राम और सीता का विवाह हो गया, तो आपको पता है कल या परसों वनवास भी होने वाला है,
पता हो जाता है पहले से, ये कथा सुन करके आ जाते हैं, चाहे वो भागवत कथा हो सुन करके आ जाते हैं, लेकिन जीवन की कथा कभी नहीं सुनते। जीवन क्योंकि जीवन की पढ़ाई होती ही नहीं है। सच बताऊं तो विषयों की पढ़ाई होती है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, फिजिक्स हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे तमाम और भी बहुत सारे शास्त्र हैं, मैं कहाँ तक बताऊं। ये अलग अलग विषयों का ज्ञान तो बच्चों को करा देते हैं, लेकिन जो सचमुच जीवन में उपयोगी ज्ञान है उसका संदेश कम दिया जाता है। ये मैं नहीं कहता कि नहीं दिया जाता है, दिया जाता होगा, लेकिन कितना, जैसे दाल में नमक छोड़ते हैं ना, बस उतना ही, बस उतना ही, ज्यादा नहीं। अच्छा, वो पता भी नहीं चलता है, पता भी नहीं चलता है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आप बच्चों को पढ़ाते हो, या आप पढ़ते हो, या आप टीचर हो, या कुछ भी हो, ये बताएं शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का मुख्य रूप से दो उद्देश्य, एक जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, और ज्यादातर तो पढ़ाई इसी के लिए है, अच्छी नौकरी मिले, सही है ना। आप लोग भी अपने बच्चों को क्यों स्कूल भेजते हैं? ताकि बच्चे पढ़ लिख करके पैसा कमाने वाले बन जाए, और इसलिए पैसा कब कमाएगा, जब वो अच्छे नंबर पाएंगे, और अच्छे नंबर पाएंगे तो बड़ी नौकरी मिलेगी, बड़ी नौकरी मिलेगी तो ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, यही तो है ना। कहने का मतलब है, फिर ऐसे बच्चे कभी कहते हैं ना कि मैं नौकरी पाने के लिए पढ़ रहा हूं, पैसा कमाने के लिए, तो मैं कहता हूं इसका मतलब ये हुआ आप पढ़ लिख करके पैसा बनाने की मशीन बनना चाहते हैं, बस, सही है ना। अच्छा, बिना पढ़े लिखे पैसा कमाने लग जाओ तो, क्योंकि पहले भी तो लोग पैसा कमाते थे, नहीं। शिक्षा का एक उद्देश्य है पढ़ना लिख करके आप धन कमाना सीखें, ये बहुत जरूरी है, गलत नहीं है ये, लेकिन वो आधा है। तो पहला क्या है, शिक्षा का उद्देश्य जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, और दूसरा उद्देश्य है जो हमें जीने का ढंग सिखाए। रोजी रोटी में रोजी रोटी कमाने की शिक्षा विद्यालय और महाविद्यालय में जाकर तो आप पा जाते हैं, लेकिन जीने का ढंग कहाँ पढ़ाते हैं? स्कूल के टीचरों को सिलेबस कंप्लीट कराने की ही चिंता रहती है, बस। आपका जीवन कैसा है इसे कोई लेना देना नहीं है। और जब जीवन ही आपका सही नहीं रहेगा, धन किस काम का आएगा? क्या आपको धन सुख देगा? नहीं दे सकता है। मैंने कहा ना, रिश्ते, रिश्तों में डिग्री सुख देगी? आप पढ़ लिख करके बहुत सी डिग्रियां पा गए, डी फिल, एम फिल, पीएचडी, क्या क्या बहुत सारे होते हैं आजकल। आजकल कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्स होते हैं, मैं तो पूछता हूँ तो मैं ही मुंह देखते रहता हूँ, ये क्या है, BE CE क्या क्या बोलते रहते हैं, पता नहीं भाई, जो हो, लेकिन इतना जानता हूँ क्या कि आप पढ़े लिखे हैं, और पढ़ लिख करके आपको एक प्रमाण पत्र मिल गया है, आप डॉक्टर, आप फिलासफी हैं। जब ऐसे बच्चे आते हैं तो मैं क्या कहता हूँ लोगों को, आप PhD हो गए और आपके पास में एक प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है, आपको मिला है प्रमाण पत्र, अच्छा ये बताओ आपकी पत्नी रूठ जाएगी तो प्रमाण पत्र काम आएगा? आप उस प्रमाण पत्र को हाथ में लेकर जाइए, देखो जी मैं तो PhD हूँ, तुम मान जाओ, देख लो प्रमाण पत्र, मान जाएगी? मैं क्या बताता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ क्या करने वाली हूँ, उसको मानेगी नहीं लेकिन क्या करेगी तो बता ही देता हूँ। आपके हाथ से वो कागज के प्रमाण पत्र को छीनेगी, 10-20 टुकड़े में फाड़ेगी और डस्टबिन में फेंक देगी, आप क्या माने हैं प्रमाण पत्र काम आएगा? पढ़ाई काम आती है, वहां काम आती है आपकी विनम्रता, वहां काम आती है, आता है आपका प्रेम, वहां काम आता है आपकी ईमानदारी। क्या आपने प्रेम की कमाई की है? क्या आपने विनम्रता को सीखा है?
नहीं सीखा है, कैसे होगा ये जीवन? इसलिए इसको जाने। तो मैं ये उदाहरण दे रहा था, गुरुदेव जी कहा करते थे विवाह विशिष्टम वहनम, विवाह क्या विशिष्ट ढंग से निभाना, पति पत्नी और पत्नी पति एक दूसरे को निभाएं, निभाना सीखें। गुरुदेव जी ये भी कहा करते थे जिस घर में पति और पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं उस घर में 3 पीढ़ी का लाभ होता है, और जिस घर में पति और पत्नी आपस में लड़ते हैं, ये थोड़ा साइड में कर सकते, इसको साइड में कर सकते हैं, आप लोग भी खुश होंगे ना। मुझे आप लोग दिख नहीं रहे थे, मैं कैसे बोलते, यही दिख रहा था मेरे सामने। इसलिए मन में हुआ कि मैं अपने साथी से कहूं और उनको धन्यवाद जो मेरी बातों को मान लिए। क्या कह रहा था याद दिलाओ। हाँ, आपस में जब लड़ाई करते हैं ना, अच्छा बताओ कितने लोग लड़ाई करते हैं, जरा हाथ उठाओ तो, पति पत्नी। अच्छा मत उठाओ, मतलब कोई नहीं बचा है, सच बात तो ये है। बहरहाल उसको छोड़ देते हैं अभी। तो जब आपस में लड़ते हैं तो 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। एक एक को सुनिए, अभी मैं बताना चाहता हूँ। आपस में जब लड़ते हैं तो 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। वो पहली पीढ़ी है जब पति और पत्नी लड़ते हैं तो घर में जो बुजुर्ग माता पिता या सास ससुर जो घर के होते हैं ना, उनकी सेवा नहीं होती है, उनके प्रति सम्मान नहीं होता है। जब आपस में दोनों लड़ेंगे तो कौन सेवा करेगा, कहां सम्मान का भाव रहेगा, कितना नुकसान कर रहे हैं। और दूसरी पीढ़ी स्वयं, जहां पति पत्नी आपस में लड़ेंगे दोनों अपना विकास नहीं कर पाएंगे, जहां जहां तनाव होगा, जहां जहां संघर्ष होगा, वहीं विकास थम जाएगा। चाहे वो भाई भाई के बीच लड़ाई हो, विकास थम जाएगा। पति पत्नी की लड़ाई हो, विकास थम जाएगा। यहां तक के बताऊं, 2 गांव आपस में लड़ेंगे तो दोनों गांव का विकास थम जाएगा। और इतना ही नहीं, जब 2 देश लड़ेंगे, 2 देश जब आपस में लड़ते हैं तो दोनों देशों का विकास थम जाता है। क्यों? क्योंकि जिससे विकास किया जा सकता है उस शक्ति को तो हम लड़ाई में लगा रहे हैं, वहां लगा रहे हैं, तो दोनों का विकास थम जाता है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है पीढ़ी, जिनका नुकसान होता, जिसकी जिसका नुकसान होता है, वो है बच्चे। बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्या होता है, जब देखते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे माता पिता आपस में लड़ते हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है उनके लिए, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। जब दोनों प्रेम से रहते हैं ना, पति और पत्नी, तो बच्चे अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं, और जब लड़ते हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। और उनकी एक समस्या क्या होती है, हम माँ का साथ दें कि पिता का साथ दें। और जब लड़ते हैं ना पति और पत्नी, तो बच्चों को भुनाते हैं। अच्छा होता है कि नहीं, सच बताओ। आप लोग आपस में दोनों बोल नहीं रहे हैं तो क्या कहेंगे, जाओ बताओ पापा को भोजन बन गया है, उनको भेज दिए। अच्छा जाओ तुम मम्मी कह दो ऐसी ऐसी बात है, बेचारा फुटबॉल की तरह यहाँ से वहाँ लुढ़क रहा है। जान रहे हो उनके दिमाग में कितना बड़ा प्रेशर बनता है इस बात को लेकर के। आप लोग क्या बताऊं मैं, बच्चे पैदा कर लिए हैं, बच्चों को कैसे संस्कार देना है ये सीखे ही नहीं, मैंने पढ़ा है। बच्चों के विषय में कई लेखकों ने लिखा है और मैंने इस विषय को पढ़ा है। एक बार एक सज्जन बोल रहे थे, अच्छा साहब आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आप कोई बाल बच्चे वाले हैं? मैंने कहा आप लोगों के लिए पढ़ना पड़ता है, मुझे आप लोगों के लिए पढ़ना पड़ता है। बच्चे
देखो शिखर एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना सरल है, लेकिन बच्चों का सही पालन पोषण करना ये बहुत कठिन है। मैंने एक वो सुना, स्पीच सुना 3-3.5 घंटे का। मैं इस समय जब उस डीवीडी चलता था ना, डीवीडी उस समय मैं डीवीडी खरीदा 350 कितने 400 रुपये में, और उस डीवीडी का विषय क्या था, सक्सेसफुल पेरेंटिंग। पेरेंटिंग आप जो बच्चों को पालन पोषण करते हैं वो सचमुच सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मैंने सुना और मुझे लगा कि सचमुच कितनी गलती होती है माता पिता से भी। आपको क्या लगता है, केवल बच्चा पैदा कर देने मात्र से आप माँ हो गई? केवल बच्चा पैदा कर देने से कोई पिता हो गया? उसी प्रकार से जैसे कोई किसी को दीक्षा दे दे और गुरु हो गया। क्या लगता है आपको, किसी के गले में मंत्र कुछ मंत्रोच्चार करते हुए कुछ माला पहना दिए और गुरु हो गया? गुरु गुरु की दीक्षा देने से गुरु कोई नहीं हो जाता है, वो औपचारिकता है, गतिविधि है, कोई बात नहीं है। लेकिन सच क्या है, गुरुत्व का उद्घाटन करना पड़ता है, ऐसे ही मातृत्व का उद्घाटन करना पड़ता है, ऐसे ही पितृत्व का उद्घाटन करना पड़ता है। क्या आपने माँ होने की जो फर्ज है उसको अदा किया है? एक बात और बता दूं, आपको किसी बच्चे को पालने का अवसर केवल एक बार मिलेगा। एक बार एक जगह था मैं, एक बच्चा करीब 6-7 साल का था, आया और उसके गोद में बैठ गया, सिर झुका लिया और वो सुन रही थी। देखिए मैंने कहा बिल्कुल बिठा लो, अभी कुछ दिन ही बैठेगा ये, थोड़ा से बड़ा हो जाएगा ना तो ये बैठ पाएगा ना बैठा पाओगी, सही है ना? एक समय आता है, कुछ समय तक ही आपके गोद में बैठना चाहेगा या बैठा पाओगे, फिर वो मौका जीवन में कभी नहीं आएगा। आपको अफसोस करना पड़ेगा, मैं सही पालन पोषण किया होता, अवसर को मत चुको। एक ने प्रश्न किया कि बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ हो, बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ हो? उत्तर देने वाले ने क्या कहा, बच्चे के जन्म के 20 साल पहले से। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं, बच्चे के जन्म के 20 साल पहले से शिक्षा होनी चाहिए बच्चे की। प्रश्न करने वाले ने कहा जब बच्चा जन्म ही नहीं लिया है तो उसकी शिक्षा कैसे दी जाए? उत्तरदाता ने क्या कहा, जो युवक युवती जैसा बच्चा चाहते हैं उसकी तैयारी 20 साल पहले से करें, वो खुद वैसा जीवन जीना शुरू कर दें। जैसा सांचा होगा ईंट भी वैसी ही तो बनेगी। आप कैसे हैं? मान लो इस बात को न भी माने, इतना आप अवश्य मानेंगे, क्या जब बच्चा गर्भ में आता है ना, आप जब कंसीव करते हो ना बच्चे को, उसी दिन से आपको संस्कार देना चाहिए। पहले सबसे बढ़िया क्या है गुरुदेव, जिसमें मैंने ये भी सुना था, नारी के तीन रूप, कन्या, गृहिणी और माँ। कन्या, गृहिणी और माँ, कन्या को सही संस्कार दो। आजकल हमारे भारत में बहुत गलत मानसिकता है, और केवल पुरुषों की नहीं, इन लोगों की भी। क्यों? जब बच्चा पैदा हुआ और बताया गया बेटी पैदा हुई है, तो माँ का मुंह लटक जाता है, क्यों? बेटा चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण विचार कहाँ से आ गया? आप बेटी और बेटे में फर्क ही क्यों मानते हैं? पहली बात तो यह है, फर्क ही क्यों मानते हैं? आपको क्या लगता है, बेटा होगा तो हमको पिंडोदक करेगा, हमको क्या करे, जल चढ़ाएगा? अरे भागा आदमी, आप अपने पिता का कितनी सेवा किए हैं, आप अपने दादा परदादा का कितनी सेवा किए हैं, और कितना नाम चला रहे हैं अपने दादा परपाजा का, वो नाम चलाएगा कोई?
नाम अपने कर्म के बल पर होगा, आप अच्छा करेंगे तब। अच्छा कबीर का नाम, अच्छा जहाँ लोग कबीर और बुद्ध का नाम लेते हैं, आप लोग उनके कोई वंशज के हैं? हम लोग वंशज के हैं क्या? राम और कृष्ण के वंशज के हैं? नाम किस लिए चल रहा है? आप हजारों साल पहले पैदा हुए लोगों का नाम जानते हैं। मैं पूछूं, आपके पिता का नाम आप जान जाएंगे, अच्छा दादा का नाम वो भी जान जाएंगे, अच्छा दादा के दादा का नाम, अच्छा उसके दादा का नाम, हाथ उठाओ जरा, पांच पीढ़ी पहले का नाम कोई गिना दे, गिना दे कोई। वो कह रहे थे 50 रुपए देंगे, मैं तो 100 रुपया देने को तैयार हूं। पांच पीढ़ी पहले का नाम चला दे, कोई बता दे कि अमुक के बाद वो, अमुक के बाद वो, अमुक का उसका बेटा मैं, है हिम्मत? अब आप क्या कह रहे हैं, मेरा नाम चलाएगा बेटा? धोखे में मत रहो, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बेटा गलत होता है, मैं कह रहा हूं जैसे आप बेटे को सम्मान कर रहे हो, बेटी का भी उतना ही सम्मान करो करो। और ये तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, लिखा है कहीं कि यदि कोई एक बच्चे को, लड़के को शिक्षित करते हो तो एक व्यक्ति को शिक्षित करते हो। यदि आप अपने बेटे को या किसी लड़के को शिक्षित करते हो तो एक व्यक्ति को शिक्षित करते हो, और किसी लड़की को शिक्षित करते हो तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हो, पूरे परिवार को। जानते हो माँ का मतलब केंद्र में, घर का केंद्र में। इसलिए ये बहुत जरूरी है, ये माँ की जिम्मेदारी सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि पिता की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन माँ की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है क्योंकि गर्भ में बच्चा आता है। माँ का सोचना, बच्चे का सोचना, माँ का भोजन करना, बच्चे का भोजन करना, माँ का श्वास लेना, बच्चे का श्वास लेना। और इसीलिए कहा जाता है जब घर में भी चित्र सही सलामत रखो, महापुरुषों के चित्र रखो, संतों के चित्र रखो, वीर के चित्र रखो, देशभक्तों के चित्र रखो। आप केवल नचइए गवइए का चित्र रखोगे क्या होगा? आप जो देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो या किसी में पढ़ रहे हो, वो सही विचारों को इनपुट करिए, क्योंकि वो भीतर जा रहा है और वहां पर रिकॉर्डिंग हो रही है। आपको क्या लगता है रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है? आप लोग सुने होंगे कहानी, किस्सा में अभिमन्यु की कथा सुने हैं? अभिमन्यु जब गर्भ में था और उसकी माँ यशोधरा, क्या कहा, सुभद्रा, क्षमा करें गलती हो गई, यही तो समझ में आया गलती हो रही है कहीं, सुभद्रा को कोई तकलीफ हुई, तकलीफ हुई तो अब उस समय के रजवाड़े क्या सुनाएंगे, यही लड़ाई भड़ाई वाली बात ही थी। तो अर्जुन बैठ करके उनको चक्रव्यूह भेदन की कथा बात सुनाने लगे कि कैसे चक्र, सातों चक्र को कैसे दौड़ा जाता है। और अभिमन्यु ने बाद में बताया कि छह चक्र भेदते तक को के बारे में जब पिताजी बता रहे थे तो माँ जाग रही थी, और सातवें चक्र के बारे में जब बताया तो माँ सो गई, और मुझे भी नहीं पता चला, मुझे भी पता नहीं चला। और जानते हैं अभिमन्यु किस सब कहाँ मारा गया था? वही सातवें चक्र पर, समझ रहे ना, वही मारा गया। कभी कभी सोचता हूँ जब बड़ा हो गया तो पूछ लेना चाहिए अर्जुन से, अच्छा सातवां ही बता दो पिताजी कह करके, शायद अवसर नहीं मिला होगा। खैर वो अलग विषय है। मैं ये कह रहा था कि ये कहानी, ये जो संदेश है लेखक के मन में तो था, हो सकता है घटना इसी न घटी, लेकिन लेखक क्या बताना चाहता है, जब बच्चा गर्भ में हो तभी आप अच्छे विचार सोचो, अच्छे दृश्य देखो, अच्छा कार्य करो, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा इंसान बने, और अच्छे इंसान बनने वाले संस्कार आपको डालना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा। वहां मैं एक उदाहरण दिखाऊं, उल्टा उल्टा उदाहरण बताता हूं। एक माँ थी और कई लोग आए हुए थे, संत लोग बैठे हुए थे, तो एक उनका बच्चा था, थोड़ा सा 8-10 साल का रहा होगा या 7-8 साल का रहा होगा। तो वो बच्चा, अब बच्चे जब देखते हैं इस प्रकार से आयोजन तो बहुत उधमबान करते हैं। आप लोग जानते हैं ना, जब घर में मेहमान आ जाए, कोई आ जाए, तो उनकी शैतानी और बढ़ जाती है बहुत। तो वैसे ही
तो बच्चा ने एकदम ऐसा करने लगे। तब वो कहा भाई वो थोड़ा शांत रखो। तो उसकी माँ ने क्या, ये साहब मेरा बेटा है, माँ शैतान है, हर समय मार पीट ढुसुम ढुसुम किया करता है, ये पता नहीं क्या करेगा आगे चल करके। संत ने पूछा, ये बताओ जब ये बच्चा गर्भ में था तो क्या करती थी? कहे साहब क्या करती थी, घर से सब चले जाते थे, मैं अकेली रहती थी, सिनेमा देखने का बड़ा मन होता था, सिनेमा देखने का बड़ा मन होता था। अच्छा ठीक है, सिनेमा देखती, कौन सा सिनेमा देखती थी? अच्छा कौन सा सिनेमा? उस समय शोले, तो शोले को उसने 16 बार देखा। कितनी बार? अब 16 बार जब शोले देखेगी तो बच्चा जो भीतर है जब बाहर निकलेगा तो क्या वो ओम नमः शिवाय का जप करेगा, ट्राई करेगा कि नहीं करेगा? सही है, जो इनपुट होगा वही तो आउटपुट होगा भाई, जो अंदर डिपॉजिट करोगे वही तो बाहर निकलेगा। बच्चे का मतलब समझ रहे हैं आप? बच्चे का मतलब होता है सेविंग अकाउंट। ये तो समझ ही गए होंगे सेविंग अकाउंट, जो मोदी जी ने तो जीरो बैलेंस का भी एक खाता खुलवाना शुरू कर दिया था, बचत खाता। बचत खाता में जो आप जमा करते जाएंगे जमा करते जाएंगे उसी को तो विड्रॉल करेंगे। मान लो आपके बैंक में, आपके बचत खाते में 50,000 की सेविंग है, क्या आप 60,000 का चेक काटेंगे? काटेंगे? कहीं काट देंगे तो क्या होगा? कुछ लेंगे ना इन लोगों से, एक क्लेम बनता है, समझ लीजिए, कभी मत करना वैसा। मतलब जो आप जमा नहीं करेंगे उसे आप निकाल भी नहीं पाएंगे। क्या आप अपने बच्चों के मन में कौन सा संस्कार दे रहे हैं? क्या विनम्रता के संस्कार भर रहे हैं? क्या उनके अंदर में मीठे शब्द बोलने के संस्कार भर रहे हैं? क्या उनके अंदर में धैर्य और सहनशीलता के संस्कार भर रहे हैं? क्या भर रहे हैं? क्या कभी आपने ऐसे संस्कार दिए कि किसी की गलती पर वो क्षमा भी कर सके, किसी का सहयोग भी कर सके? कभी बच्चे आए तो कभी आप कहीं से अभी आए पूछे हो, बेटा आज तुमने किसी का सहयोग किया? ये तो जरूर पूछेंगे। आज क्या पढ़ाया, क्या बात हुई भाई स्कूल में? कभी ये भी तो पूछ करके देखो, बेटा कभी किसी का सहयोग किए, किसी को कुछ अच्छा किए किसी के साथ में? अच्छे इंसान बनाओ। एक सभा में आइंस्टीन, जो विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र पर पाए थे, तो एक बार वो स्पीच देने के लिए मंच पर खड़े हो रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग वो आ गए सामने और उन्होंने क्या कहा, आप वैज्ञानिक लोग बहुत सारे ये आविष्कार कर दिए हैं विज्ञान का, और बहुत सारे यंत्र आप दे दिए हैं, लेकिन क्या इससे दुनिया में सुख और शांति का वातावरण बना? अभी भी देखो संघर्ष है, अशांति है, लड़ाई है, झगड़ा है। ऐसा कुछ उपाय बताए साहब कि दुनिया में सुख शांति का वातावरण कायम हो। आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने कहा, यदि दुनिया में सुख और शांति कायम करना चाहते हैं तो इसके लिए अच्छे इंसान पैदा किए जाएं। और अच्छे इंसान किसी प्रयोगशाला में नहीं बनते हैं, आपकी गोद में बनते हैं। आपको सिखाना है, आपको सिखाना है उसको विनम्र। अच्छा बच्चों को आप ही गलत संस्कार, झूठ बोलना कौन सिखाता है बताओ? जन्म से सीख के आते हैं आप। क्रोध करना कौन सिखाता है? निंदा करना कौन सिखाता है? मैं बताऊं कैसे होता है, जब घर में मेहमान आएंगे ना तो खूब मीठी मीठी बातें करेंगे, अब जब मेहमान चले जाएंगे ना उसकी आलोचना करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। अब बच्चा सुनता, अच्छा ये तरीका है, जब सामने रहे तब प्रशंसा करो और जब चले जाए तब उसकी आलोचना करो। क्या संस्कार दे रहे हैं, सही है कि नहीं है? क्या आपने बड़े बुजुर्गों की सेवा और सम्मान सिखाया? और कैसे सिखाएंगे, बोल करके? कभी नहीं सीखेंगे, कान खोल के सुनो, कभी नहीं सीखेंगे। एक बच्चा पुस्तक पढ़ रहा था, माँ भी बाजू में बैठी थी, ट्रेन की यात्रा थी, पूछा गया कि अच्छा बड़ा आश्चर्य है आजकल तो बच्चे मोबाइल में मतवाले होते हैं, ये मोबाइल में गेम खेलना छोड़ करके ये पुस्तक कैसे पढ़ रहा है? माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा
कि बच्चे अपना कहाँ करते हैं, वे तो वही करते हैं जो बड़ों को करते देखते हैं, जो बड़ों को करते देखते हैं। आप यदि जब भी अवसर मिलता है और टीवी खोल करके बैठ जाते हैं या बैठ जाती हैं, जब भी अवसर मिला आप मोबाइल में ही मतवाले रहेंगे तो बच्चे भी मोबाइल में मतवाले हो जाएंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि आप बच्चों का ध्यान रखें, सही संस्कार दें, सही संस्कार दें। कहते हैं यदि किसी बच्चे को उपहार न दो, कुछ घंटे रोएगा, लेकिन संस्कार न दो जीवन भर रोएगा। अच्छे संस्कार दो, विनम्रता के पाठ पढ़ाओ, क्षमा करने के गुण सिखाओ, और कह के नहीं करके दिखाओ। करके मैं एक चीज बता दूं आपको, बच्चों को अच्छा बनाने के पहले खुद को अच्छा बनना पड़ता है। इस नियम को याद रखो, आपको अच्छा बनना पड़ेगा। आपको, आप चाहते हैं कि मेरे बुढ़ापे पर मेरे बच्चे मेरी सेवा करें, तो आप घर के माता पिता जो बुजुर्ग ने उनकी सेवा करके दिखाओ उनको। आप उनके साथ में अदब से पेश आओ, शालीनता से पेश आओ, तो देखेंगे बुजुर्गों के साथ में ऐसा व्यवहार करना चाहिए, वो बच्चे सीखेंगे। इसलिए बच्चों को सही संस्कार दो। किसी ने कहा, जिस घर के बच्चे हैं संस्कारी वह घर माँ का आभारी। जिस घर के बच्चे संस्कारी हैं माँ का आभारी है, क्योंकि माँ ही है। इंसान वह है जो माँ बनाती है, इंसान वह है जो माँ बनाती है। इसलिए आपका काम है कि आप उसे निर्मित करें सही ढंग से। खैर, बच्चों वाला विषय तो बहुत विस्तार से है, मैं थोड़ा सा वापस आऊं परिवार के लिए। पति और पत्नी की बात चल रही थी, भाई भाई के लिए चर्चा करनी थी। मौसम खराब हो रहा है, प्रवचन तो खराब नहीं होगा ना? मैं बंद ही कर देता हूं। हवा भर तो है, लेकिन मैसेज जहां तक आया है इसका मतलब कागज भी आया है हवा के साथ में, है ना? वो भी लिख के आया है, कुछ इंडिकेट कर रहा है, साहब जल्दी बंद करो। कोई बात नहीं, मैं तो अभी बंद कर सकता हूँ, अगली बार करेंगे, अभी की क्या बात है। ये बात तो सही है, मौसम यदि गड़बड़ हो जाएगा तो तकलीफ तो हो जाएगी, लेकिन देखते हैं, ऊपर वाले पर भरोसा करो। सबसे बड़ी बात है रिश्तों में मधुरता लाने के लिए प्रेम, ये ध्यान दो। कई बार कहता हूँ, जैसे आप दीवार जोड़ते हैं, ईंट पर ईंट रखते चले जाते हैं, लेकिन ईंटों को जोड़ने के लिए गारा होता है, सीमेंट और बालू का, सीमेंट और बालू ईंटों को जोड़ करके रखता है। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़कर रखने वाला गारा वो है प्रेम और विश्वास। प्रेम और विश्वास, भाई भाई साथ में है। एक दिन एक भाई कहता है, मैं अलग रहूंगा। क्यों? भोजन नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं। प्रेम कम हो गया है, विश्वास कम हो गया है। और प्रेम कैसा होता है जानते हैं? प्रेम पौधे की तरह होता है, पौधे को सींचते जाओ हरा भरा रहता है, और जब पौधे को सींचना बंद कर देते हैं तो पौधा कुम्हलाने लगता है, मुरझाने लगता है। ऐसे ही प्रेम को भी सींचना पड़ता है, और सींचोगे नहीं तो पौधा भी, प्रेम भी कुम्हला जाएगा, मुरझा जाएगा, मर जाता है। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, प्रेम कभी भी कुदरती अपने आप कभी नहीं मरते। रिश्तों को इंसान ही मारता है, कभी गलती से, कभी गलत फहमी से, कभी नफरत से, और कभी गुस्से से। जब जब आप अपने लोगों के साथ में गुस्से का व्यवहार करते हैं, जब जब आप उनके उसको नजरअंदाज करते हैं, उनके प्रति गलत भावना रखते हैं,
तब तब प्रेम सूखता चला जाता है। और प्रेम को सींचने का मतलब है आपके द्वारा कुछ ऐसा व्यवहार हो, आप कुछ ऐसा बोलें, कुछ ऐसा करें, कुछ वादा करके निभाएं। सबसे बड़ा टूटन कहाँ होती है? जब आप वादा करते हैं और निभाते नहीं। देखिए, एक तो सोच समझ करके वादा करो, और वादा करो तो निभाओ, और जब वादा नहीं निभाते हैं ना, बहुत जल्दी टूटता है। फिर ये विश्वास टूटा, विश्वास टूटता कैसे टूटता बताऊं? जैसे शीशा टूटता ना, शीशा समझ रहे हैं ना, वैसे ही है ये। और विश्वास टूटता है सबसे पहला झूठ बोलने से। एक बात आप लोग कहानी सुने होंगे, एक गड़रिया चिल्लाता है, भेड़िया आया बोलते हैं, तो किसान लोग आ जाते हैं, तब क्या कहता है, अच्छा देख रहा था आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। दूसरी बार चिल्लाए, फिर आ गए, और तीसरी बार सचमुच भेड़िया आ गया, क्या हुआ, आए, अच्छा क्यों नहीं आए, क्योंकि विश्वास तोड़ दिया था। समझ रहे हैं ना, विश्वास तोड़ दिया था। आप अपने परिवार वालों का विश्वास जीतिए, तोड़िए मत। अब ये रिश्ते निभाने के लिए बहुत जैसे गोंद होता है ना, गोंद चिपकाने वाला, वैसे ही है ये विश्वास और प्रेम। अच्छा प्रेम का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, यही है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यही कहना। आजकल तो मैसेज भेजते हैं ना लव यू कह करके, क्या हो जाएगा इससे, कभी समझते भी है कि बस यूं ही करते चले जाते हैं। सुन लीजिए आज प्रेम का मतलब क्या होता है। प्रेम का मतलब होता है दूसरे के हित की चिंता। यही तो कबीर साहब जी ने कहा है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्या वो युवक और युवती का प्रेम है, दिखावे का, जो कुछ सुंदर चेहरा को देख लिए, कुछ कलाकारी को देख लिए, कुछ देख लिए और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, थोड़ी सी प्रतिकूलता आ गई, कहाँ गया प्रेम, सब छिटक जाएगा, कुछ नहीं है ये। उथले में काम नहीं चलेगा, गहरे में समझो उस अर्थ को जो साहब ने संदेश दिया है। दूसरे के हित की चिंता, ध्यान दीजिए, दूसरे के हित की चिंता मतलब कैसे करना है, मैं थोड़ा बता दूं। पति ये सोचे मैं ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा कौन सा व्यवहार करूं जिससे मेरी पत्नी अधिक से अधिक प्रसन्न हो और उसे आराम मिले। इसी प्रकार पत्नी क्या सोच रही है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं, उसकी चिंता हो रही है कि जिससे अपने पति को अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक प्रसन्नता दे सकूं। दूसरे के हित की चिंता, पत्नी चिंता कर रही है पति के हित के लिए, और पति चिंता कर रहा है पत्नी के लिए। यही भाई भाई, भाई चिंता कर रहा है मेरे भाई को अच्छा कैसे हो, और भाई उस भाई की चिंता कर रहा है। यही पिता पुत्र, यही सास बहू, क्या आप चिंता कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि मेरा लाभ हो, मेरा भला हो। क्या होता है, घर में दो तीन देवरान जेठान है, अब साड़ी ले आए, या साड़ी ले आए तो क्या हुआ, अब तीन है तो दो ही साड़ी सही मिल पाई, एक साड़ी ऐसी थी जो वैसी नहीं थी, तो थोड़ा क्या हुआ, 100 रुपये के ज्यादा, उसकी कीमत कितने हो गई, 100 रुपये के। दो साड़ियां थी 1000-1000 रुपये की, एक साड़ी है 1100 रुपये की। क्या भाई ये बता दिए, अब तीनों बहू क्या सोच रही, 1100 वाली मुझे मिल जाती है, सही है ना, यही गड़बड़ है। क्या सोचना है, कोई बात नहीं तुम ले लो, कोई बात नहीं आप ले लो, हम पहन लेंगे, हमको आप बड़े हैं आप पहन लीजिए, अरे आप छोटी हो आप पहन लो, यही सास बहू सोचने लग जाए। मैं तो जीवन भर कपड़ा पहन चुकी, बढ़िया बढ़िया, बहू की उम्र है वो पहने, और बहू क्या सोचे, हमको तो जीवन भर भी कपड़ा पहनना है, पता नहीं सासू माँ की जीवन कितने दिन का है, उसे अच्छे कपड़े मिलना चाहिए। त्याग करो तो सही, करो तो सही, नहीं मुझे अच्छा मिले, मुझे ज्यादा मिठाई मिले, मुझे अच्छा भोजन मिले, मुझे ज्यादा आराम मिले, और वहीं पर रिश्ते टूटते चले जाते हैं। सींचने का मतलब है आपके द्वारा ऐसा व्यवहार हो, आप उनको ऐसा समय दे। पत्नी है, मैं कई बार कहता हूँ, चाहे यहाँ भी कहा था, पत्नी को आप दे दिए कपड़ा, दे दिए गहने जेवर, दे दिए खाने के, दे दिए, क्या उनको समय भी दे रहे हो, उनके साथ बैठ करके बातचीत भी कर पा रहे हो, क्या उनके कुछ कामों में सहयोग भी कर रहे हो, क्या उनके दुख दर्द को सुनने का अवसर है? ऐसा तो नहीं है केवल सामान देकर के छुट्टी पा रहे हैं। आप जब तक पत्नी और बच्चों के लिए समय नहीं दोगे, वहां से प्रेम नहीं पनपेगा।
माता पिता के पास बैठना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसा थोड़ी है कि माता पिता खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए, कपड़े लत्ते और रहने बसने की। क्या आदमी केवल मशीन है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, मशीन में क्या हुआ? तेल डाल दो, पानी डाल दो, बस ठीक है और चलाते रहो। हम मशीन है, भावनात्मक जीव है, हमारे अंदर भावना भी है, हमें आपस की बातचीत भी चाहिए, आपस में सम्मान भी चाहिए, एक दूसरे के साथ में कुछ ऐसा कुछ कम्युनिकेट हो, इनर कन्वेंशन, इनर मतलब एक कनेक्टेबल होना चाहिए, केवल बाहर से नहीं। बाहर से तो आप जैसे धर्मशाला है, धर्मशाला हम जाकर के देखे सुने मिल लिए, अपने अपने डिब्बा टिफिन खोले और खाकर चले गए। अरे घर धर्मशाला नहीं है भाई, घर परिवार है, जहाँ पर लोग अपने लोग रहते हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी चाहिए। बात नहीं भी का अवसर है तो भी, गुरुदेव जी कहते थे बात करने का अवसर नहीं तो भी बोल लो, अच्छा कैसा चल रहा है, ठीक है ना। ईटिंग और मीटिंग साथ साथ हो, मीटिंग तो साथ साथ करते हैं, ईटिंग भी साथ साथ हो, परिवार के लोग एक साथ बैठ करके भोजन करने का विधान बनाओ, एक साथ बैठ करके और सबके लिए बराबर भोजन, एक साथ भोजन और काम का लेखा जोखा भी दो, एक दूसरे के साथ बात करो। ये अच्छा प्रेम सूख रहा है कैसे पता चलेगा बताओ? बहुत दिन से कर रहे हो प्रेम, बताओ ना, बताओ प्रेम सूख रहा है कैसे जानेंगे? मैं बताता हूं, इंडिकेट करता, जीवन हमेशा इंडिकेट करता, संकेत भेजता है प्रेम सूख रहा है। कब पता चलेगा? जब आपस की हंसी चली जाएगी, आपस की बातचीत कम होने लग गई। जैसे ही लग गया कि आप, जब आप बैठ करके आपस में हंस हंस के बातें करते हैं, पति पत्नी खूब हंस हंस कर बातें करते हैं और इतनी बातें करते हैं कि उनका विषय खत्म ही नहीं होता है, समझ लीजिए अंदर प्रेम का प्रवाह है, धारा बह रही है। ऐसे ही भाई भाई, ऐसे घर वालों के साथ में, गुरुदेव जी कहते थे घर में एक बार हंसी का कह कहा, आपस में खूब आपस में हंस लेना चाहिए, तो क्या होता, अंदर जो कुंडी लगी है ना जंजीर, वो खुलती है, वो खुल जाती है। लेकिन सब मुंह फुलाए हैं, कोई आए पॉइंट टू पॉइंट बात कर लिए, सब अपने अपने कमरे में। आजकल क्या बताऊं, पहले तो घर में एक ही टीवी होता था, अब बड़े घरानों में कमरे कमरे में टीवी, दुर्भाग्यहीन मैंने कहा तो मोबाइल को गाड़ ही दिया था। आपस में बैठो तो सही, भोजन के समय बैठो, यूं ही बैठो और बातचीत करो, आपस में हंसो, क्यों नहीं। अब जब देखो कि हंसी चली गई है, ध्यान दो प्रेम सूख रहा है, बात करो, काम करो उस पर, जहां बातचीत। अब होता क्या है, मैंने कहा ना हम मनुष्य हैं, गलती हो जाती है, होती ही है, तब क्या करना है, गलती होती है तो बताओ क्या करते हैं, आपस में किसी बात को लेकर के बस टकरा गए। अब सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है, दोनों मुंह फुला लिए, इधर पति इधर पत्नी। अब क्या सोच रहे हैं, पति शुरुआत करे, वो करे पत्नी शुरुआत करे, क्यों भाई क्यों सोचते हो कि कोई शुरुआत करे, आप क्यों शुरू नहीं कर रहे हैं, मैं पति हूं। अरे पति हो तो क्या हाथी बड़ा हो गए, इंसान ही तो है भाई, आपके सहारे आपके जीवन साथी साथ फेरा लगा। कभी कभी विरोध करता हूँ, अच्छा साथ भामर जब फेरा लगाए हो तो ये भी कहे थे दो चार साल के बाद में आपस में लड़ाई करेंगे कह के, अरे काहे की लड़ाई कर रहे हो भाई, काहे की लड़ाई कर रहे हो, प्रेम कर लो थोड़ा सा, कह दो ठीक है जी चुप गए। अब बातचीत मौन रहने से क्या मतलब है, मुंह फुलाए दोनों क्या बताऊं, एक ही घर में रहेंगे बातचीत नहीं करेंगे, अच्छा एक ही घर नहीं एक ही कमरे में रहेंगे बातचीत नहीं करेंगे, एक ही बिस्तर पर सोएंगे, एक पूरब तरफ मुंह फुलाए हैं दूसरा पश्चिम तरफ फुला है, इससे बड़ा नरक होगा कोई, कहां नरक, नरक और स्वर्ग कोई भौगोलिक रूप नहीं है, कहीं भी नहीं है नरक और स्वर्ग। आज कान खोल के सुन लो, जो प्रलोभन देते हैं ना स्वर्ग में जाओगे, सब धोखा देते हैं, ये दान कर दो ये अच्छा दान करो दक्षिण अपना घर ले जाएंगे और आपको घर स्वर्ग में जाएंगे, देखो तो सही, ये कितने धोखेबाज है धार्मिक लोग, धार्मिकों से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच तो है ये, सच तो है ये, क्या है आप तो चाहिए दान दक्षिणा अभी के लिए, और जजमान को कब चाहिए, मरने के बाद, कमाल है, इसी जीवन में स्वर्ग और नरक मिलता है। जिस परिवार में परस्पर प्रेम है, आपस में विश्वास है, हंस हंस कर बातें करते हैं,
उसी घर में स्वर्ग है और जहां आपस में मुंह फुलाए हैं। जब बात भी करेंगे तो ऐसा बोलेंगे जैसे जहर उगल रहे हों, और इतना चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, इतना चिल्ला कर घर वाले बोलते हैं, कौवा भी आके बैठता है ना, उड़ जाता है बाहर। घर वाले इतने कौवा है, हमारी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? धीरे बोलो, मीठे बोलो। ये सब चीजों को जब जीवन में लाएंगे तो रिश्ते मधुर होते चले जाएंगे। वस्तु की तरह उपयोग मत करो मनुष्यों को, व्यक्ति का अपना महत्व है। वस्तु कभी खराब हो भी जाए कोई बात नहीं है, आप ठीक रहे, आप ठीक रहे। इसलिए मनुष्यों का सम्मान, रिश्तों का सम्मान, पिता पुत्र एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव। गलती हो गई, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो, कोई बात नहीं। आपस में किसी बात, किसी से गलती, पत्नी से गलती, पति से कोई चिंता नहीं है। आप पहले ही क्षमा मांग लो, कह दो सॉरी गलती हो गई जी, चलो फिर से बात करते हैं। क्यों? ख्याल आया, पति और पत्नी बहुत दिन से नहीं बोल रहे थे। एक दिन पति के मन में हुआ, कब तक अनबोला चलेगा। रात में करीब 11:30 बज गए थे और वो खाट के नीचे खोजने लगा तो जला देख रहा, खटपट खटपट हो, पत्नी की भी नींद खुल गई। अब पूछ तो नहीं सकती थी, बोलती नहीं थी, इसलिए क्या खोज रहे हो कह करके। अब वो देर तक खोजता रहा, अंत में उससे रहा न गए, क्या खोजते हो? पति ने कहा, बस मिल गया मिल गया मिल गया। अरे क्या खोज रहे थे? तुम्हारी आवाज खोज रहा था, तुम्हारी आवाज खोज रहा था, आवाज मिल गई, बस हो गया काम। सही है ना, खोज लो ऐसा। मैं समझता हूँ वो भी ठीक है, गलत नहीं है। कुल मिलाकर के वापस फिर आ जाओ, वापस फिर आ जाओ। मुंह फुला करके मत बैठे रहो, अकड़ो मत, होती है गलतियां हमसे। एक ही याद सूत्र याद रख लो, दूसरे की गलती को क्षमा कर दो, अपनी गलती हो जाए तो क्षमा मांग लो। एक काम भी कर सको ना तो सत्संग सफल है। अपनी गलती हो छुपाओ मत, सफाई मत दो, कह दो गलती हो गई क्षमा कर दो, और दूसरे की गलती को क्षमा करने की उदारता बरतो, उदारता बरतो। ये रिश्ते को मधुर बनाओ, ये बहुत जरूरी है। इसलिए आपके रिश्ते मधुर होंगे तो जहां परिवार में प्रेम होगा वहीं पर आत्मा और परमात्मा की चर्चा भी संभव है, वहीं पर पूजा पाठ संभव है। आप घंटे भर पूजा किए और जैसे पूजा सूटे बहू रानी को डांटने लग गए, सही है ना, बच्चों को डांट रहे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, इसका मतलब पूजा में दिखावा ही कर रहे थे क्या? अरे पूजा से उठो, मन मक्खन होना चाहिए, शालीन मौन शांत। यदि घर वालों से गलती हो जाए इतना प्रेम से और स्नेह से समझाओ तो आपको देख के लगे अभी पूजा सूटे हैं, सही है ना। पूजा सूट करके तब आग बरस रहे हैं आप, क्या है कि पूजा, वो क्या है? अब मंदिर में गए पूजा करने के लिए भगवान की, अरे घर के असली देवी देवता को तो तुम उलाहना दे रहे हो। अभी कुछ दिन में क्या आने वाली है? जगदम्बा, सही है ना, दुर्गा देवी आने वाली है, तैयारी करके रखना। और दुर्गा जानते हो किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है सबको पता है, केवल मुझे नहीं है। ऊपर से रंग रोगन, और फिर क्या करेंगे, ऊपर से कपड़ा पहना देंगे और हाथ जोड़ेंगे, तुम्हें माता चा पिता तुम्हें बंधुश्चा सखा तुम्हें, सही है। जो एक मक्खी नहीं पैदा कर सकती उसे आप तुम्हें माता पिता करें, और ये माताएं जो सबको पैदा करती, कभी हाथ जोड़ के खड़े हुए इनके सामने? कभी नहीं होंगे कि आप हमारे माता पिता, आप हमारे रक्षक हैं। ये तो क्या करेंगे, कहीं एक दिन सब्जी में नमक कम हो गई या ज्यादा हो गई मिर्चा, पीढ़ा उठा लेते हैं। और अभी तो भैया वंदना करके आए एक दुर्गा माता का, यहाँ क्या हो गया है? इतनी नकली पूजा शुरू हो गई हमारे यहाँ। असली दुर्गा असली देवी घर में है, उसकी अवहेलना और नकली दुर्गा की पूजा, ये देवता है घर में। और लोग क्या करेंगे, शिव जी के पुजारी हैं, भगवान कृष्ण के पुजारी हैं, और घर के शिव के, वो कहाँ के शिव हैं, वो तो महापागल है। समझ गए? अभी सुन रहा था एक सज्जन बोल रहे थे, स्पीच दे रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। कल पूछा कि भैया कभी कभी उनको सत्संग में लाया करो, कहे अपनी पत्नी को भी सत्संग में लाया करो। अरे साहब वो पागल है, पागल।
अच्छा, तो उनके पड़ोसी से पूछा, सचमुच उसकी पत्नी? अरे नहीं साहब, बहुत अच्छी है। अच्छा, तुम्हारा तुम्हारी पत्नी का? अरे साहब, वो तो पागल है। समझ रहे हैं? कमाल है, मतलब इतना तो समझ में रखो। क्यों भाई, साथ में चलो, साथ में निभा करके चलो, छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दो। देखो रिश्ते मधुरता आ जाए, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ झगड़ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं लड़ने झगड़ने की। ठीक है जी, भोजन मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, मस्त रहो, छोटी मोटी बातें आई और गई, कहे के झंझट मोल रहे हो। और मैं बता दिया तो शुरू में बताया, जब आपस में लड़ोगे तो बच्चों का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, ध्यान रखो। अच्छा एक जने कहा, अच्छा जब बच्चे नहीं रहेंगे तब लड़ाई कर ले दोनों में। मैंने कहा लड़ने कितना शौक ही क्यों है, सोचो तो सही। और मैं बता दूं, जब बच्चे नहीं रहेंगे और लड़ेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, बच्चे जब वापस आएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपने लड़ाई की है। क्या मैं सही कह रहा हूं? हर आदमी के अंदर झूठ पकड़ने के यंत्र लगे हैं, वो आपको पकड़ लेंगे। आज लड़ाई होगी, क्यों? आपके शब्द निकलेंगे वैसे, आपका चेहरा दिखेगा वैसे, आपकी आंखें दिखेंगी। संचालक महोदय, मैं क्या बताऊं, इस विषय को मुझे दो दिन कहना चाहिए था। लेकिन ये विषय इतना वो है कि सचमुच बहुत जरूरी समझना इस चीज को। हम धन कमाना जानते हैं, प्रसिद्धि कमाना जानते हैं, रिश्तों में मधुरता लाना नहीं जानते, और सब व्यर्थ है ना। आपका धन कमाना व्यर्थ है, आपका बाहर प्रसिद्ध होना व्यर्थ है। रिश्तों में मधुर बनो, पत्नी और बच्चों के लिए समय निकालो, बच्चों को ध्यान में रखो, उनके पास बैठो उठो, माता पिता के पास बैठो। क्या बताएं, उनके पास बैठने का आपके पास अवसर नहीं है? नहीं भाई, बैठो उनके पास में, उन्हें बताओ अपने काम का लेखा जोखा, वो सुनना चाहते हैं आपके बारे में, आप उनको बताइए, उनके अनुभव का लाभ लीजिए। इसलिए ध्यान रखो, सबका महत्व है, घर के जितने सदस्य हैं सबका महत्व है। वस्तु सेकंड नंबर में आएगा, वस्तु सेकंड नंबर, आपके बाद वस्तु है, वस्तु का महत्व कम है, घर के परिवार का महत्व ज्यादा है, ये हमेशा ध्यान रखो। इसलिए गुरुदेव जी का सूत्र याद रखो, धन धन नहीं है, जन धन है। धन एक बार खराब हो गया, वस्तु टूट गई, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी, लेकिन आप तो ठीक है नहीं, मनुष्य तो ठीक है ना, ये ध्यान रखो। इसलिए वस्तुओं के बिगड़ने पर लोगों पर चिल्लाओ मत, नाराज मत हो, कोई बात नहीं, आप सही सलामत रहो। और कब होगा? जब प्रेम होगा। आपस में धैर्य रखो, सहनशील बनो, विनम्र बनो, मीठे शब्दों में बात करो, क्षमा करो, क्षमा मांग लो। इन सद्गुणों को जब जीवन में विकसित करोगे तो आपका व्यवहार भी अच्छा बनेगा और आपका परमार्थ भी अच्छा बनेगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, और इतना प्रेम से सुने आप सबके प्रति धन्यवाद। और ये बैठे हैं हमारे आयोजक गण, गजेश्वर जी और उनके पूरे परिवार के लोग, इतने अच्छे सहयोगी हैं, पिछले साल भी किए थे, मैं तो सोचा था इस साल फिर क्यों बुला रहे हैं आप, उन्होंने कहा नहीं आना ही है। और बहुत मुश्किल से ऐसा संजो, केवल ये 3 दिन का टाइम मेरे पास बचा था, बस केवल 3 दिन का, और आगे पीछे बुक था, बिल्कुल पूरी तरह से पैक्ड था, और वो 3 दिन इसने खींच करके यहाँ बुला लिया मुझे, जबकि मैं कहीं जा करके थोड़ा सा आराम करूँगा ऐसा था, और यहाँ आप लोगों ने बुलाया और सेवा का अवसर दिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और आपके रिश्तों में भी मधुरता आए, समृद्ध हों और शांतिमय जीवन जिए। साहेब बंदगी, बोलिए सद्गुरुदेव की जय।